किसान आंदोलन की तपिश आज भी संसद से लेकर सड़क तक महसूस की गई। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में इस्तेमाल किए गए शब्द का मतलब समझाया, उस शब्द का मतलब समझाया जो ट्रेंड कर रहा था, जिसे लेकर बहुत बवाल मचा हुआ था। ये शब्द था आंदोलनजीवी। पीएम ने आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी के बीच फर्क क्या है उसे बताया। लोकसभा में आज कैसे किसान आंदोलन की आड़ में चल रही सियासी साजिशों चल रही हैं उस पर जवाब दिया। अब वो क्या रहा है इस पूरे के पूरे मामले में, आपको आगे हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं संसद में किस तरह से कांग्रेस अपने ही सांसदों से सेल्फ गोल करवा रही है या उनके सेल्फ गोल से खुद परेशान नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी के बाद अब लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दी है कि पार्टी नेताओं को सफाई देते नहीं बन रहा है। संसद में अपने ही नेताओं की गलत बयानी कैसे कांग्रेस और राहुल के लिए मुसीबत बन गई है, आप मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी से समझिए। बड़ी की है किसी ने, इन्होंने पूछा था इसमें काला क्या है, इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियें खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। देश को गुमराह कौन कर रहा है ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं। मैं ऑन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलूंगा। एक और कांग्रेस सांसद ने किया सेल्फ गोल। हमारे मोमिंदा जी जाकर उधर ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो शिया थी उसमें जाकर बैठ जाते हैं। इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियें खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। एक बार फिर संसद में हुई कांग्रेस की किरकिरी। इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियें खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं। ये लोकसभा में कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के बीच हुई बहस का छोटा सा ट्रेलर है। लेकिन क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते कांग्रेस अपने ही नेता के बयान से जख्मी हो गई। फिर खाओ जुतियां, फिर मैं नहीं बचाऊंगा तुम, खाओ। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के भाषण का पूरा जोर किसान आंदोलन और तीन नए कृषि कानूनों पर था। उन्हें लगा कि इस मुद्दे पर हमलावर तेवर के साथ वो सरकार को घेर लेंगे। मगर भाषण के दौरान बिट्टू तीन नए कृषि कानूनों से मंडियां खत्म होने को लेकर ऐसा दावा कर बैठे कि अपने ही शब्दजाल में उलझ गए। सरकार को घेरने की बजाय बिट्टू खुद ही घिरते नजर आए। कृषि कानून की कमियां गिनाते हुए रवनीत सिंह बिट्टू कुछ ऐसा दावा कर बैठे जिस पर बीजेपी सांसद ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और उनके दावे को लेकर सबूत मांग लिया। बिट्टू ने दावा किया कि कानून में ये लिखा है कि मंडियां खत्म होंगी, बस यही बात अनुराग ठाकुर ने पकड़ ली। तो सर क्लॉज वाइज बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है, जो किसान क्या कह रहा है। सर चेयरमैन साहब, इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। पढ़ना चाहिए सर काम। मैं दसदा सारा कुछ, हाँ, बिल्कुल पढ़ के बताइए। मैं बताइए ना बिल में कहा लिखा है। और दो बात सर की हो, सर ये बिल में पढ़ के बताइए कहां पे लिखा है कि मंडी। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं। अनुराग ठाकुर ने बिट्टू से बार बार ये सवाल किया कि वो कानून की कॉपी से उस हिस्से को दिखाएं जहां मंडियां खत्म करने की बात कही गई है। लेकिन बिट्टू इस बात से थोड़े नाराज हो गए और फिर दोनों में जमकर बहस भी हुई और अनुराग ठाकुर ने बिट्टू के बहाने कांग्रेस पर ये आरोप भी जड़ दिया कि कांग्रेस सदन में झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रही है। किसानों को ऐसे गुमराह किया है छोटे, जो कि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये जो फसाद खड़ा किया है ऐसे ही नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया। सर सदन में हुई ये बहस वहीं खत्म नहीं हुई। बिट्टू के दावे ने कांग्रेस के सामने मुसीबत खड़ी कर दी। सदन के बाहर एबीपी न्यूज ने बिट्टू और अनुराग ठाकुर दोनों से इस पूरे विवाद पर सवाल किया, लेकिन न तो बिट्टू अपने बयान से पीछे हटने को तैयार हुए और न ही अनुराग ठाकुर ने अपने तेवर नरम किए। 100% मंडिये खत्म, यार सीधा जब आप सोचिए, जब सीधी उन्होंने बोल दिया भी प्राइवेट अडानी वानी अपनी मंडी लगाएगा तो इसका मतलब एफसीआई खत्म, एमएसपी खत्म और सरकार की मंडी खत्म। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है जो किसानों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहती है और अपने आंदोलन करना चाहती है।
बिट्टू ने सिर्फ मंडियों के खत्म होने की बात कहकर ही कांग्रेस के लिए मुसीबत नहीं खड़ी की। अपने भाषण में उन्होंने स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव को भी निशाने पर लिया। उन्होंने योगेंद्र यादव पर न सिर्फ लाल किले की हिंसा के लिए आरोप लगाया बल्कि ये दावा कर दिया कि योगेंद्र यादव के संबंध खालिस्तान समर्थकों से है। आप, मैं ओपनली कहता हूँ, इस सारी साजिश में चाहे वो 26 जनवरी वाली हो या 24 वाली हो, ये योगेंद्र यादव ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है। अगर आप इसे आज भी पकड़ लो, इसे आज भी पकड़ लो, उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी। कोई किसान आपका दुश्मन नहीं है, किसान देश के साथ है। किसान बिट्टू ने सदन में खड़े होकर योगेंद्र यादव पर आरोप तो लगा दिया लेकिन उनका ये दांव भी सेल्फ गोल ही साबित हुआ। सदन में उनके इस बयान से पूरी कांग्रेस निशाने पर आ गई और जब कांग्रेस के बड़े नेताओं से बिट्टू के दावे पर सवाल पूछा गया तो वो पल्ला झाड़ते नजर आए लेकिन बिट्टू योगेंद्र यादव पर लगाए आरोपों पर कायम हैं। किस विषय को मद्देनजर उन्होंने बात रखे मुझे जानकारी नहीं है, मैं उनसे पता करूंगा लेकिन इस तरीके की कोई तथ्य मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है फिलहाल, कुछ इसमें जानकारी भी नहीं है। मेरे टीवी में देखते हैं, भाषण देते हैं, वो तो बड़ा कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है, आंदोलनकारी के रूप में ही हम सब देखते हैं। उसके पास ना जमीन है, ना ट्रैक्टर है, ना ट्राली है, ना टेंट है, ना तंबू है, ना डंडा है, ना झंडा है, वो एक आदमी उसका नहीं था तो वो लीड क्यों कर रहा था? दीप सिद्धू तो बहुत छोटे प्यादे हैं लेकिन सबसे बड़ा जो प्यादा है इस, वो क्या कहते हैं, बिशात बिशी हुई है जो, इसका सबसे बड़ा प्यादा है वो योगेंद्र यादव है। कांग्रेस ने बिट्टू के बयान से किनारा कर अपना दामन बचाने की जरूर कोशिश की लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। बिट्टू के बयान ने कांग्रेस नेताओं को नाराज कर दिया, किसान नेताओं ने खुलकर बिट्टू का विरोध शुरू कर दिया। योगेंद्र यादव जी हमारे एक यानी जय किसान आंदोलन की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है किसी यानी ऐसे मतलब वो हमारे कुछ चीफ हैं कि उसके बाद हल हो जाएगा या कोई ऐसे हैं, ये यानी उनका अपना कोई राजनीतिक, जैसे हमको नक्सल बोला गया, हमको खालिस्तानी बोला गया, हमको किसी ने कुछ बोला, किसी ने आतंकवादी बोला, ऐसे उसकी लड़ी में ही जैसे बीजेपी है उसकी लड़ी में ही कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। कांग्रेस इस बजट सत्र में सदन के अंदर अपने ही नेताओं के बयान से बार बार जख्मी हो रही है। पिछले तीन दिनों में कांग्रेस के दो बड़े नेता पार्टी के लिए मुसीबत बने। 8 फरवरी को लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से कांग्रेस घिरी तो 9 फरवरी को बिट्टू ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। हम आपको दिखाते हैं कैसे दो दिनों में दो बार कांग्रेस अपने ही नेताओं की वजह से मुश्किल में आ गई। हमारे जाकर ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो सियासत उसमें जाके बच जाते हैं, ये असम्मान होती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके बच के चलिए। ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है, वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। क्लॉज वाइज बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है, जो किसान क्या कह रहा है। सर चेयरमैन साहब, इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियें खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है, ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं। किसान आंदोलन की आग को देखते हुए कांग्रेस ने बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी की थी लेकिन सदन में उसके ही नेताओं ने ऐसी बयानबाजी कर दी जिससे मामला विशेषाधिकार हनन तक पहुँच गया है। अब कांग्रेस के लिए चुनौती किसान मामले पर सरकार को घेरने के साथ साथ अपने ही नेताओं के बयानों से भी निपटना है। ABP News, आपको रखे आगे।